सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं इस मनोरंजन के बॉक्स के बारे में जो मैंने अपने बाइक के ऊपर इंस्टॉल किया था। जो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ये मैंने इंस्टॉल किया है अपने बाइक के ऊपर, जब मैंने लास्ट मोटो व्लॉग किया था तो उसके अंदर मैंने ये अपने हैंडल के ऊपर लगाया था। तो ये बेसिकली जब मैंने अपना बाइक ख़रीदा था तब भी मैंने इसको परचेज़ किया था। मुझे गाने सुनने का बहुत शौक़ है, इसलिए मैं हेडफोन यूज़ नहीं करता क्योंकि जो साउंड है वो आइसोलेट करता है हेलमेट के अंदर। तो आजू बाजू से जो ट्रैफिक होता है, जो कार वगैरह जाती है, हॉर्न का आवाज़ सुनाई नहीं देता कुछ, इसलिए मैं ये प्रेफर करता हूँ। तो ये मैंने अपने बाइक के ऊपर लगाया था। तो अगर आप लोगों को ब्लूटूथ स्पीकर ख़रीदना ही है तो एक दो ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर देख रहे हो जो JBL कंपनी का विंड पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, तो वो अभी 2500 का आता है। तो वो भी अपने मोटरसाइकिल के लिए या बाइक के लिए बहुत ही अच्छा स्पीकर है। और उसके बाद में आता है ज़ेब्रोनिक कंपनी का ज़ेब एक्शन पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, तो इसकी प्राइस आपको नियर अबाउट पड़ जाएगी 1100। और ये जो स्पीकर्स आप लोग देख रहे हो तो ये USB ब्लूटूथ स्पीकर होते हैं जो स्पेशली बाइक के लिए डिज़ाइन किया है। जो मोटरसाइकिल होती है उसके लिए स्पेशली ये डिज़ाइन किया है इन लोगों ने। बट इसमें एक दिक्कत होती है, ये आपके बाइक के ऊपर ही, मतलब आपको ये बाइक के ऊपर ही फिट करना पड़ता है, तो उसको आप लोग निकाल नहीं सकते। ये जो ख़रीदा है मैंने, ये था शायद 2200 का मुझे कुछ तो पड़ा ये। तो इसमें एक खास बात है, ये जो आप देख रहे हो नीचे से, यहाँ पर ये स्क्रू माउंट होता है, तो ये आसानी से 1:4 का जो नॉर्मली जो माउंट होता है वो स्क्रू होता है 10 नंबर का, जो हम लोग बोल्ट लगाते हैं तो उसमें आसानी से फिट होता है। तो लास्ट में हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से हम लोगों ने पूरा ये इंस्टॉलेशन किया है हमारे बाइक के ऊपर, जो हैंडल के ऊपर मैं इसको कैसे माउंट करता हूँ, तो लास्ट में वो आप लोगों ने देखना वीडियो में क्या है। तो इसके फीचर के बारे में बात किया जाए तो इसके अंदर आता है ये सब। इसमें लगता है मेमोरी कार्ड, ये होता है एंड्रॉयड का एक चार्जिंग पोर्ट, ये होता है एक ऑक्सिलरी पोर्ट, और ये साइड में एक आप टाई लगा सकते हो अगर इसको कहीं हैंग करना है तो कहीं पे जैसे फोर्ट हुआ, अगर ट्रैक वगैरह हुआ तो आपको बाइक बहुत दूर पार्क करना पड़ता है और वहाँ से आप लोगों को अंदर जाना पड़ता है। तो वो जो स्पीकर्स है बाइक के ऊपर जो माउंट होते हैं वो आपके ट्रैक के लिए या कहीं पे स्पॉट के लिए जाने के लिए वो काम में नहीं आते, वो फिट होते हैं हैंडल बार के ऊपर। तो ये जैसे कि ये पोर्टेबल स्पीकर है तो इसको मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो बाइक के ऊपर लगाता हूँ। अगर मुझे कहीं पर जाना पड़ता है अंदर, जैसे फोर्ट हुआ या ट्रैकिंग के लिए हुआ, तो ये मैं उसको निकाल के भी लेकर जा सकता हूँ, अपने बैग के अंदर भी कैरी कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैंने ये प्रेफर किया। तो इसके बाद में आता है, ये सबसे बेस्ट लगा मुझे, उसके अंदर पावर बैंक भी होता है। तो पावर बैंक, इतना मुझे टेक्निकल इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन टॉर्च और पावर बैंक होता है इसके अंदर। तो कंपनी को धीरे धीरे पता चल रहा है कि आपकी ज़रूरत क्या है, तो ये बाइसिकल के लिए उन लोगों ने डिज़ाइन किया है। इसके अंदर ब्लूटूथ स्पीकर भी है, FM भी है, पावर बैंक भी है और एक टॉर्च भी है, जो कि आप लोग ईजिली यूज़ कर सकते हो इसको, जहाँ पर भी लगेगा। इसके बाद में ये एक आता है जो बोट कंपनी का है, ये स्टोन ग्रेनेड 5W का ब्लूटूथ स्पीकर है। ये इसका छोटा वर्जन है, बोट कंपनी का ही आता है, लेकिन थोड़ा सा इसका कॉस्ट जो है वो 1200 का है। इसके बाद में JBL कंपनी का जो है गो भी आता है, गो वाला जो सीरीज़ है GO 3, तो उसका प्राइस आपको नियर अबाउट जाएगा 2800 के आसपास। तो वो छोटा आता है लेकिन उसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है, वाटरप्रूफ भी है। इसके बाद में अगर आप लोगों को पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर देखना ही है तो एक JBL में भी आता है, ये क्लिप होता है, जो क्लिप नाम से फेमस है बहुत। क्लिप 1, 2, 3 ऐसे 3 मॉडल आए थे, अभी 3 जो चालू है उसका जो नंबर है वो 3 है। तो इसका प्राइस अराउंड जाता है 2300 तक। और इसके अंदर क्रोमा का भी आता है, क्रोमा का हुक नाम से आता है, हुक ऑन ब्लूटूथ, तो वो भी आप लोग पोर्टेबल स्पीकर का यूज़ कर सकते हो एज अ। तो इस टाइप से ये कुछ ब्लूटूथ स्पीकर है, तो मुझे उस टाइम ये अच्छा लगा। अभी मार्केट में बहुत सारे आ चुके हैं, तो अगर आप लोगों को ख़रीदना ही है ब्लूटूथ स्पीकर जो अपने बाइक के लिए या मोटरसाइकिल के लिए या साइकिल के लिए ख़रीदना ही है, तो आप लोग कुछ इस टाइप से ख़रीदो जिसके अंदर ये माउंट होना ज़रूरी है, तो आप लोग इसको लगा सकते हो। इसके पहले जो मैं इसको लगाता था तो जो मैंने हैंडल बार है, जैसे कि आप लोग ये वीडियो में देख रहे हो, तो ये हैंडल बार के ऊपर मैं ऐसा प्लेस कर देता था इसको, और जो GoPro की स्ट्रैप्स होती है उससे इसको टाई कर देता था, उससे फिट कर देता था उस हैंडल के ऊपर, तो ये निकलता नहीं था। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इसका, बारिश में भी बहुत अच्छा काम करता है, वाटरप्रूफ है, तो आप लोग ख़रीद सकते हो ये। और बाकी की जो हम लोगों ने बताया वो भी काफ़ी बेस्ट है, वो भी आप लोग ख़रीद सकते हो।
तो चलो अभी हम लोग इसका इंस्टॉलेशन करेंगे। तो किस टाइप से मैंने इंस्टॉलेशन किया, तो ये वीडियो अभी आप लोग कंटिन्यू करो। सो होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका होगा कि हम लोगों ने किस टाइप से इसका माउंट बनाया है। जो राइट साइड में जो क्लैंप बनाया था मैंने, इसके जो बाजू वाला, तो वो और ये इसका जो स्क्रू है वो सेम ही आता है। नट बोल्ट जो होता है उसका जो सेम ही आता है। तो जो मैंने वो कैमरा के लिए लगाया था, तो कैमरा का एंगल कैसा आता है ये देखो। तो कुछ इस टाइप से ये कैमरा का एंगल, मैं वहाँ पे कैमरा लगाता हूँ तो ऐसा शूट करता हूँ मैं खुद का। वो जो कैमरा होता है वो मेरे तरफ उसका डायरेक्शन होता है, तो उससे हम लोग ऐसे शूट करते हैं। कुछ अलग अलग डिफरेंट एंगल भी उससे मिलते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को इसमें से कुछ ब्लूटूथ स्पीकर खरीदना है तो आप लोग खरीद सकते हो अपने बाइक के लिए। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना और एक छोटा सा कमेंट कर देना, ताकि हम लोग आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना पाए। सो थैंक यू सो मच।